में पहला लेटर अगर पार्टी की तरफ से आ जाए पार्लियामेंट के अरकान ने वोट डाल दिया है शुजात नवाज ने, छह के हो गए अब तक, छह के हो गए आपके, छह वोट कास्ट हो गए कंफर्म बिल्कुल, और रोके नहीं है, बस काउंटिंग का देखना है। तो अनवर मंसूर साहब, अगर पार्टी हेड का पहले लेटर आ जाए पार्लियामेंट पार्टी के फैसले से पहले, तो फिर उसकी क्या वक्त होगी? देखिए, पार्लियामेंट्री पार्टी का लेटर जो आया है वो 21/7 को आया है। जी जी, लेकिन अगर 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 शुजात साहब का लेटर इससे अगर पहले आया हो, इससे पहले कोई लेटर नहीं है जी। इन केस अगर पार्लियामानी सॉरी अगर पार्टी हेड ने पहले बता दिया हो अरकान को कोई लेटर के जरिए, लेटर सामने मीडिया पे आ जा रहा है, उसका जिक्र आ रहा है, मैं भी पहले दे दिया हो, उस सिनेरियो में क्या बनता है? पार्लियामानी पार्टी वहां पे प्रिवेल करेगी या पार्टी हेड का फैसला प्रिवेल करेगा? पार्टी हेड का फैसला प्रिवेल नहीं करेगा। मैंने यही अर्ज किया आपको, जो कॉन्स्टिट्यूशन में जब लफ्ज लिखा हुआ है डायरेक्शन इशूड बाय द पार्लियामेंट्री पार्टी, डायरेक्शन इशूड बाय द पार्लियामेंट्री पार्टी, यहाँ पर पार्टी हेड भी लिख सकते थे, मगर यहाँ नहीं लिखा है उन्होंने। सिर्फ इस पे कार्यवाही, अगर पार्लियामेंट्री पार्टी के डायरेक्शन को आप अमल दरामद नहीं करेंगे तो अच्छा, दो बातें बताइएगा। एक तो जिस तरह आप देख रहे हैं अरकीन पंजाब असेंबली जो मुस्लिम लीग काफ से ताल्लुक रखते हैं, इस सारी कैओटिक सूरत हाल के एन बीच में उनको फिर भी अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं वो, तो दैट मीन्स के उन तक नंबर वन या अहकाम आए नहीं है या वो मान नहीं रहे, इसका क्या लीगल, इसकी क्या लीगल स्टैंडिंग? जो मेरा इसमें मुझे जो इतला है वो इनके पास अहकाम आए नहीं है, ठीक है, एक दफा दरवाजा बंद हो गया था घंटियों के बाद, उसमें नहीं आ सकता था ये, ठीक है। और मंसूर साहब, अगर डेप्यूटी स्पीकर अब इनके वोट काउंट ही ना करे ये कह के कि ये तो अदालत का फैसला आया हुआ है मेरे और मेरे पास ये आपके पार्टी अपनी तशरीह के मुताबिक आपकी पार्टी की तरफ से अहकाम जारी किए गए हैं, व्हाट देन? देखिए, जाहिर है कि वो काउंट नहीं करेगा, देन यू हैव टू गो टू कोर्ट। जो फैसला आया था इससे पहले उसमें भी वर्ड पार्लियामेंट्री पार्टी लिखा हुआ है, पार्लियामेंट्री हेड नहीं लिखा हुआ है, तो बहुत क्रूशल है ये। जस्ट टू मेक इट सिंपल, अनवर मंसूर साहब जरा इस पे मुझे मेरी तायद कीजिएगा अगर मैं दुरुस्त इसको इंटरप्रेट कर रहा हूँ। यानी कि सिंपल ये है कि जो वोट किसको देना है किसको नहीं देना, इसका फैसला पार्लियामानी पार्टी करेगी, लेकिन अगर कोई मेंबर वायलेट करता है इस फैसले को, पार्लियामानी पार्टी के फैसले को वायलेट करता है, वहां रोल आता है पार्टी हेड का कि वो उसके खिलाफ तादीबी कार्रवाई करे। एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन मंसूर साहब, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, मुजम्मिल सरवर्दी बोल रहा हूँ। एक रेफरेंस भेजा था इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट को 63A के हवाले से, जी उस रेफरेंस के पैरा जो भेजा, जो उस पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, उसके पैरा थ्री में उन्होंने ये कहा है कि एंड दिस इज सो रिगार्डलेस ऑफ वेदर द पार्टी हेड, उन्होंने लफ्ज पार्टी हेड क्या यूज किया, पार्लियामानी लीडर नहीं यूज किया, कि उसकी हदायत मानी जाएंगी इस बारे में, वही उस रेफरेंस के डिसीजन में, वो एक मिनट वही उन्होंने नहीं माना था, कोर्ट ने कहा था पार्लियामेंट्री पार्टी ने डायरेक्शन दी है, पार्लियामेंट्री पार्टी का लफ्ज इस्तेमाल किया उसी जजमेंट के अंदर, और उन्होंने यही कहा है कि पार्लियामेंट्री पार्टी अगर वो करती है कोई डायरेक्शन देती है तो उस सूरत में वायलेशन अगर उसकी होगी तो पार्लियामेंट्री हेड जो है वो सॉरी पार्टी हेड जो है फिर वो उसके खिलाफ एक्शन ले सकता है। अनवर मंसूर साहब, ये फरमाएगा कि जाहिर बात है जब आपने कहा कि ये केस जो है या ये नुकात जो हैं अब कोर्ट में जाएंगे, तो मुनिस अलाई साहब का जो क्लेम है कि पार्लियामानी पार्टी जो चेयर्ड बाय पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर मिस्टर भट्टी, और उन्होंने एक लेटर भी साथ में अटैच किया है और उनका वेरीफाइड अकाउंट है ट्विटर का, तो वो 21 तारीख का है, तो अब क्या ये भी प्रूफ करना होगा कि वाकईतन ये पार्टी की मीटिंग जो है पार्लियामानी पार्टी की वो 21 तारीख को हुई और ना कि 22 तारीख को ये खत जारी हुआ? नहीं, ये तो देखिए, ये तो जाहिर है बताना तो पड़ेगा उनको, आई एम श्योर उसकी तो फिल्में बनी होंगी कोई ना कोई, तो प्रूव करना कोई इतना मुश्किल नहीं होगा। अगर ये गलत कर रहे हैं तो फिर दे विल हैव टू सफर फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस। सही, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो ये तो मामला जो है वो देखें कानूनी पेचीदगी, 21 की तारीख उस पर डली हुई है, जो 21 तारीख की कल का पार्लियामेंट्री पार्टी का जो उन्होंने नोट इनको प्रूफ ऑर्डर जारी किया है, इनको प्रूफ करना होगा, ऐसा ही है। लेकिन पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग कब हुई है कि अगर पार्लियामेंट्री पार्टी का पार्टी हेड होता है तो पार्लियामेंट्री पार्टी के हेड से अगर पार्लियामेंट्री पार्टी और पार्टी हेड के डिसीजन में कॉन्फ्लिक्ट हो
तो पार्टी हेड का डिसीजन सर वो बाद में कार्रवाई के लिए कहेगा अगर वायलेट होता है, अगर वायलेट होता है तो एंड पार्टी हेड चले। ये मुजम्मिल का जो पॉइंट है ना, ये मुझे कई लोगों ने ये भी किया है व्हाट्सएप पे और इट मेक सेंस। जहाँ तक इसी वजह से मैं और मालिक भी उस वक्त ये बात कर रहे थे कि हमारा शायद सलमान अकरम राजा साहब या अनवर मंसूर साहब से जो है थोड़ा सा इख्तलाफ हो और हम ये समझते हैं कि पार्टी के सरबरा जो है उसको ये इस्तेहकाक हासिल है ये डिसीजन का। तो अनवर मंसूर साहब जाहिर बात है कि इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में अटॉर्नी जनरल रहे हैं जी सर, सलमान अकरम राजा साहब वजीर आजम के, क्या कह रहे थे सलमान अकरम राजा, वो नवाज शरीफ साहब के वकील भी रहे, क्या कह रहे थे वो भी यही राजा साहब यही कह रहे थे। और वैसे सारे माहिरीन की अभी तक जो मैंने जल्दी से चेकअप किया सारे यही कह रहे हैं कि पार्लियामानी पार्टी का फैसला चौधरी शुजात का, लेकिन देखिए क्लैरिटी इस पे आ चुकी है कि पार्लियामानी पार्टी का फैसला वोट करने पे पार्लियामानी पार्टी का फैसला प्रिवेल करेगा। अगर कोई वायलेशन करता है मेंबर पार्लियामानी पार्टी के फैसले से इनहराफ करता है फिर पार्टी हेड का वहां पे मेरे नाकिस राय के अंदर ये कोर्ट में जब मामला जाएगा इसकी तशरीह होगी और यही बहस होगी कि पार्टी सरबरा और ये मेरा ख्याल है केस साइड कर रहे हैं इस बार कोई फैसला जल्दी भी नहीं होगा। हाँ अब मेरा मतलब है कि इफ इट्स डिसाइडेड कि पीटीआई को पंजाब नहीं देना तो 2023 के बाद फैसला, देन द डिसीजन इज वेरी फाइनल दिस टाइम। इस पे आप समझें कि इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दिस। मेरे हिसाब से काफली के अरकान वोट कास्ट कर रहे हैं तो नंबर गेम तो वाज़े हो गई है। नहीं उनका वोट काउंट नहीं होगा ना, पहले भी तो इस चीज को भी रूल आउट ना करें। खान साहब दोपहर में कह चुके हैं कि जो डिप्टी स्पीकर है दोस्त मोहम्मद मजारी वो बदल रहा है, चीजों को समझ रहा है। तो दोस्त मोहम्मद मजारी भी सात अरकीन ने वोट कास्ट किए हैं जो खबरें आ रही हैं 10 के 10 ने कर दिए। अपने रिपोर्टर्स से बात कीजिए तो बिल्कुल वोट कास्ट हो गए काफी के 10 के 10 कास्ट हो गए पर तमाम अरकीन ने वोट कास्ट कर दिए। ये तो गई गेम पर अरकीन के जो मुझे क्या से फिर निकल गई गेम इसका मतलब है वो किया है सात अरकीन का जिसमें हमारे यासिर साहब हैं, नहीं 10 के 10 की हो गई अभी खबर आ रही है, खतीजा है और मेरे ख्याल में तो इस तरह के साथ जलाई साहब कब तक वोट, अब ये वोट कहां पे देंगे? उन्होंने परवेज जलाई साहब को वोट दिया है, परवेज जलाई साहब को वोट दिया तो इसका मतलब है कि फिर गेम वाजे तो रिवोल्ट हो गया अंदर काफली के और चौधरी शुजात के साथ जो पासा पलटने का फैसला नहीं माना किसी ने, मेंबर ने भी शुजात साहब का फैसला किसी ने भी नहीं माना, नहीं माना तो ये तो फिर दोबारा बाजी दोबारा पलट गई ना पीटीआई के परवेज जलाई साहब। नहीं सवाल ये है कि क्या वो बड़ा अब वोट काउंट होगा या नहीं होगा, वोट काउंट होगा या नहीं सारा फैसला सिर्फ और सिर्फ अब डेप्यूटी स्पीकर के हाथ में। ही कैन स्विंग द बॉल ईदर विच वे ही वांट्स और ये भी राइटिंग ऑन द वॉल है कि विच एवर वे ही थ्रोज इट अदालतों के अंदर ये मामला जाएगा ही जाएगा क्योंकि अगर वो इसको काउंट करते हैं तो मुस्लिम लीग नून चैलेंज कर देगी अदालत में। इजलास के शुरू से आज डिप्टी स्पीकर लीनियंट टुवर्ड्स पीटीआई नजर आए और अगर वो इनको काउंट नहीं करते तो पीटीआई ये मलबा लेके उठा के लाहौर हाईकोर्ट पहुंच जाएगी जो लाहौर हाईकोर्ट अपने पहले फैसले में लाहौर हाईकोर्ट में नहीं सुप्रीम कोर्ट आएंगे। दो या ढाई महीने बाद लाहौर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और इस पॉलिटिकल लल और केओस को जो है वो तूल दी गई और जो फैसला भी आया उसमें से भी फैसले ने मजीद हमारी सितम जरीफी ये है कि या एक तो सियासतदान बाज नहीं आते, एक चीज है कि अगर क्लियर मैंडेट्स हैं, एक दूसरे तो 2013 में जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने तस्लीम किया था बहुत कदकाट बड़ा था उनका, आज भी कोर्ट होता है खैबर पख्तूनख्वा में कहा तुम लोग हुकूमत बना लो, बलोचिस्तान में कहा तुम लोग बना लो, जिसकी जिधर अक्सरियत है। मगर अगर ये गेमें खेली जाएंगी बार बार जिसके अंदर मैं क्यों नहीं कहती कि इस इमाम में सभी नंगे हैं, सब ने ये बर्बुदाद हरकतें की हैं, किसी ने नेशनल असेंबली में किया, ये कहती हूँ नोबडी इज बेटर देन द अदर ना, ना कोई तब्दीली की बात करे ना कोई वोट को इज्जत देने की बात करे। और इस सारे पोलिटिकल मैस में अगर उतनी ही गुमराह है माजरत के साथ या गुमराह से गुमराह इज अ बैड वर्ड आई टेक इट बैक, गुमराह से मतलब अगर फैसले बर्बाद नहीं करेंगी और क्लैरिटी पर मबनी नहीं करेंगी तो बराए मेहरबानी ये मेरा मतलब है दिस इज जस्ट इधर क्या हो रहा है इस दफा मेरे ख्याल में, लेकिन ये राय भी तो मौजूद है कि अगर 2013 में पीटीआई का मैंडेट सस्टेन करते हुए केपी की हुकूमत दी थी
तो उस पर रेसिप्रोकेट 2014 में जिस धरने से दिया गया तो सब कहते हैं वो गलत फैसला था पॉलिटिकली, उसकी वजह से इमरान खान को जिंदगी मिली, हुकूमत ना दी होती तो ये सब कुछ ना होता। तो उसको इमरान खान ने कैसे रेसिप्रोकेट किया पॉलिटिकली वो भी तो देखा जाएगा ना। उसके बाद सबने सीखा कि इस जेस्चर का कोई खास फायदा नहीं होता क्योंकि ये रेसिप्रोकेट नहीं हो पाता। खबर आ रही है जरदारी साहब की कोशिशों को धचका लग गया है काफली के, तमाम अरकान ने परवेज इलाही साहब को वोट दे दिया है। आसिफ अली जरदारी साहब की जो कोशिशें थी वो रंग नहीं लाई पर काफली के तमाम 10 अरकान ने परवेज इलाही साहब को वोट दे दिया है। अब तमाम की तमाम जो गेम है जो बॉल है वो अब डिप्टी स्पीकर की कोर्ट में आ चुकी है कि आया वो काफली के 10 वोट्स को काउंट करते हैं या नहीं। लेकिन इजलास के शुरू से वो मारिया नजर आए लीनियंट टुवर्ड्स पीटीआई, चूंकि जो दो एतराजात आए थे नून लीग की तरफ से कि एक तो जो शबीर गुजर साहब का वोट काउंट ना किया जाए चुका उनका नोटिफिकेशन या जैन कुरैशी का वोट काउंट ना किया जाए चुका उनका अभी तक इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, वो दोनों एतराजात उन्होंने रद्द कर दिए थे। अच्छा, अब अतात आरन ने जो है वो ट्वीट की है इन रिस्पॉन्स टू मुनस इलाही और वो ये बात कर रहे हैं, वही जो भी बात हो रही थी कि इसकी जो सैंक्टिटी है लेटर की ये जाली लेटर है, बकौल उनके ये जाली लेटर जो है। जो आप